नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बीच चैनल। जी हां दोस्तों, देश भर में फैले संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की ओर से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है। यानी कि आज से 21 दिनों तक लोगों को अपने घरों में ही बंद रहना होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों को ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में कुछ काम की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, तो हम सारी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले देश और दुनिया की सारी खबरें मिलती रहेगी। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति में किसी को भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वह लोगों को मिलती रहेगी, जैसे कि फल, दूध, सब्जी वगैरह की आपूर्ति होती रहेगी। आज की बड़ी खबर है बैंकों के खुलने बंद होने के समय में हुआ बड़ा बदलाव, ये रहा नया टाइम टेबल। जी हां मित्रों, चीन की बीमारी के अलर्ट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने अपने टाइम टेबल में बदलाव कर दिया है। तो ऐसे में बैंक से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कामकाज है तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी खबर है। और ये नया टाइम टेबल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दोस्तों, मंगलवार से ICICI बैंक, HDFC बैंक समेत देश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने टाइम टेबल में बदलाव करते हुए सुबह 10 बजे से लगाकर दोपहर के 2 बजे तक का कर दिया है। यानी कि देश के ज्यादातर बैंक सुबह 10 बजे से लगाकर दोपहर के 2 बजे तक ही ग्राहकों के लिए खुले रहेंगे। यानी कि लॉकडाउन की स्थिति में मात्र 4 घंटे ही बैंकों का कामकाज होगा, और इन 4 घंटों के समय में मात्र इमरजेंसी सर्विस ही दी जाएगी, जैसे की धन की निकासी, चेक क्लियरेंस वगैरह की सर्विस ही दी जाएगी। और इसके अलावा बैंकों में दूसरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ICICI बैंक, HDFC बैंक समेत देश के तमाम बैंकों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन से भुगतान करें। और इसी के साथ में बैंकों को लेकर एक और बड़ी खबर है, वित्त मंत्री का ऐलान, दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। जी हां दोस्तों, हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह ऐलान कर दिया है कि दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालने पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और इसी के साथ वित्त मंत्रालय की ओर से ऐलान किया गया है कि बैंकों में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखना भी जरूरी नहीं है। अगली बड़ी खबर है, पहाड़ों पर अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, राजस्थान में चलेगी धूल भरी आंधी। जी हां दोस्तों, मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, खास करके पहाड़ी इलाकों में। बता दें कि कल दिल्ली NCR में भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, और इसी के साथ में उत्तर भारत के जैसे कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, UP, दिल्ली समेत कुछ राज्यों में मौसम का सीधा असर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे। अगली बड़ी खबर है, कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 रूपए देगी दिल्ली की सरकार, CM केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, चीन की इस भयंकर बीमारी की वजह से काफी लोग इसके संक्रमण में आ रहे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की ओर से 21 दिनों का पूरे देश भर में लॉकडाउन किया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 रूपए देने का ऐलान कर दिया है, और ये राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। दिल्ली के CM का कहना है कि काफी लोगों को इस लॉकडाउन की वजह से भरण पोषण करने में तकलीफ होगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये पैसे दिए जाएंगे। और दोस्तों, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने भी 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को 1,000 रूपए की राशि भेज दी है। जी हाँ दोस्तों, चीन की बीमारी के संकट से लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के आदेश के बाद से ही दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रूपए देने का ऐलान किया था, ताकि वे इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने जीवन का भरण पोषण कर सके। हालांकि CM ने अपने ऐलान के अनुसार 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को 1,000 रूपए की पहली किस्त भेज दी है। चलिए, ये तो काफी अच्छी बात है, और जल्दी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के दूसरे राज्यों के लिए भी बड़ा ऐलान करने वाली है। अगली बड़ी खबर है, घबराए नहीं, सब्जी, फल, दूध, राशन, पेट्रोल पंप और दवाओं सहित जरूरी सुविधाएं मिलती रहेगी। जी हां दोस्तों, चीन की बीमारी से लोगों को बचाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति कर दी है, लेकिन सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास भरपूर मात्रा में अनाज का भंडार मौजूद है। और इसी के साथ में सब्जी, फल, दूध, राशन, पेट्रोल पंप और दवा जैसी जरूरी चीजें लोगों को मिलती रहेगी। अगली खबर है, मोदी सरकार की सभी कंपनियों से अपील, कर्मचारियों का वेतन ना काटे और उन्हें नौकरी से भी ना निकाले। जी हां दोस्तों, पूरे देश में संक्रमण की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से कंपनियों से अपील की गई है कि वे अपने एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की सैलरी को बिल्कुल भी ना काटे और उन्हें नौकरी से भी ना निकाले। तो ऐसे में संक्रमण की वजह से जो लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं वे घर में बैठे हैं, तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर है, चीनी बीमारी को हराने के लिए कंपनियों ने 70% तक सस्ते किए सैनिटाइजर और मास्क। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और डाबर जैसी बड़ी कंपनियां अभी चीनी बीमारी से लड़ने के लिए जनता और सरकार के साथ में खड़ी है। कंपनियों ने अपने मुनाफे की चिंता किए बिना ही सैनिटाइजर और मास्क की कीमतों में 70% की कमी कर दी है, और लोगों को
को तत्काल प्रभाव से इसका फायदा भी मिलने लग जाएगा, क्योंकि सरकार ने इन चीजों को आवश्यक चीजों की कैटेगरी में डाल दिया है। तो दोस्तों, यदि आप भी मोदी सरकार के इस लॉकडाउन का सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ में देश और दुनिया की काम की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।